ऐसा ही एक दिन था मार्च का, जब भी हम लोग टोकरी राइस खा रहे थे बैठ के, और फिर हुआ ये। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तूफान है जो आखड़ा, तू चल जा उसके साथ में। भगवान ने तुझको दी हुई है रहमत तेरे हाथ में। जगा तू अपनी शक्तियों को, दूर कर दे फासले। खड़े है तेरे आड़े आके बीच से उनको फाड़ दे। जरफीरों पे ध्यान दे, ना हार का तू नाम ले, ना फालतू का ज्ञान ले, ना फालतू सलाम ले। कलम में है जो ताकत है ब्रह्मांड से अनजान है। भूखे मर रहे हैं ये बच्चे लोग, ये हैवान है। ये कौन है, क्या है, जिस दिन में तेरा ब्याह है। घर वाले करते जबरदस्ती बकरा तैयार है। तो छोड़ दे उम्मीदें सारी, पहन ले तू कपड़े भारी। इससे अच्छी ब्रह्मचारी लाख देखी दुनियादारी। पर्सपेक्टिव। तो वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट जिसका नाम है पर्सपेक्टिव। और आज हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में, और मेरे साथ है रोहित शिंदे और सोनी सरंगुले। ये जिनको नहीं पता, ये मेरे कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो लॉकडाउन, मुझे याद है हम लोग तीनों चाइनीज खाने बैठे थे, हाँ टोकरी राइस खा रहे थे, और उसके नेक्स्ट दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ। तो लॉकडाउन में बहुत कुछ चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट में जो ट्रेंड आया था एकदम शुरुआत में, डालगोना कॉफ़ी। नहीं नहीं, उससे पहले स्टार्ट में थाली बजाने का चैनल। अरे हाँ, सबसे वियर्ड चीज़ मुझे वो लगा कि हम लोग ये सोच रहे थे कि जनता कर्फ्यू होगा, एक दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर हुआ 21 दिन का, फिर हुआ 3 महीने का, और फिर देखते देखते कोरोना यू सक प्रीटी बैड। तो स्टार्टिंग में अगर ट्रेंड्स की बात करें तो डालगोना कॉफी का ट्रेंड मुझे याद है, और मुझे वो भी ट्रेंड याद है कि कुछ सेल्फीज वेल्फीज निकाल के डाल रहे थे लोग, मतलब अपना आर्ट वगैरह का, और ऐसा आर्टिस्ट सब लोग ये सबका आर्टिस्ट अपना जाग उठा था। हाँ वो भी एक ट्रेंड था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या ना कंपेयर करते नाउ वर्सेस ये, और सब एक दूसरे पर टैग करके पासवर्ड चालू होता आ गया। फिर एक बिंगो का चैलेंज, बिंगो एंड ऑल। बिंगो नहीं, मुझे बिंगो इतना याद नहीं चैलेंज, पर अरे बहुत चैलेंज आए थे। मतलब जहाँ तक मुझे याद है ना, एक ऐसा कुकिंग चैलेंज भी कुछ था कि लोग अलग अलग कुछ चीजें बना के डाल रहे थे। मुझे भी याद है कि मैं पेंट कर रहा था और मैंने अपने दोस्त का टैग किया था। फिर देखो वो इन अ सेंस मुझे अच्छा लगा चीज की लॉकडाउन का वर्क जैसे मतलब बेकार में कटने वाला था वो यूटिलाइज हुआ कुछ। पुशअप चैलेंज या लोग भाई इधर बाहर कोरोना फैला लोग घर में वो एक बहुत फन मोमेंट। और भाई एग्जाम्स और कॉलेजेस जो पोस्टपोन हुए वो खुशी, एक्चुअली मेरे को खुशी अलग लेवल की थी। तेरा केटी एग्जाम था ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कब पता है 20 को था अराउंड। नहीं लॉकडाउन हुआ ना उसके 2 दिन बाद था, तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मैं प्रिपेयर करने बैठने वाला था एग्जाम के लिए, नहीं तो लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर था। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने बैठने वाला, तभी मेरा दोस्त का कॉल आया, भाई एग्जाम कैंसिल हो गया। नाचो। और वो केटी का पेपर ऐसा था कि जो मुझे अराउंड 6th अटेम्प्ट में सॉल्व हुआ मेरा, अभी वो भी ड्यू टू ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों के बहुत फायदे हुए। बहुत सही सही में। पर हम लोग ने कॉपी नहीं किया। अरे नहीं नहीं, हम लोग ने कॉपी मेरे सर या मैम लोग जो भी देख रहे हो, हम लोग ने कॉपी नहीं किया, हम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। तो ये तो ठीक है, खैर मजाक मस्ती बहुत हो गया। और उसके बाद भी ना, मतलब जो सीरियस चीज़ मैंने नोटिस की ना कि जो क्या बोलते हैं, मुझे मतलब एक ये लगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन अफेक्ट हुआ उसकी वजह से। मतलब बहुत हुआ, हम लोग कहते हैं कि हम लोग ने अडॉप्ट किया ऑनलाइन लर्निंग को एंड ऑल, पर जो एजुकेशन क्लासरूम में हो रहा था वो टाइप का एजुकेशन मुझे नहीं लगा। तुम लोग क्या व्यूज है इस पे? इस पे मैं कुछ ज्यादा नहीं, बी फ्रैंक। हाँ वही कि एजुकेशन ऑनलाइन हो रहा है, बट क्या स्टूडेंट्स उतना अडेप्ट कर रहे हैं? नहीं। क्या स्टूडेंट्स कैमरा चालू रख के सुन रहे हैं? नहीं डेफिनेटली नहीं, हम भी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट इसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन एक स्क्रीन ही है। हाँ उधर कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन आ जाता है। टीचर्स को कितने लोग पे ध्यान। करेक्ट करेक्ट। और टीचर्स का ना सच में ये
तारीफ करनी पड़ेगी उनकी कि उन्होंने झट से अडॉप्ट किया वो चेंज को. मतलब अगर हम लोग नॉर्मल बेसिस पे सोचते हैं कि डिजिटल जो इंडिया का ट्रेंड मतलब आने वाला था वो कब से चालू है, ई लर्निंग एंड ऑल, पर वो इतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया था. पर जैसे ही पूरा बंद हो गया वैसे उन्होंने फट से अडॉप्ट किया. भले अभी स्टूडेंट्स नहीं सुनते उतना, पर टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे जहाँ तक मुझे पता है. और ठीक है, स्टूडेंट्स अगर नहीं सुनते तो उनका ही लॉस है. अगर आप YouTube से नहीं सीखते हो तो YouTube से सीखते हो तो ठीक है. मतलब ऐसा सजेस्ट नहीं करें हम लोग, समझ जाए इशारा काफ़ी है. और एक गेमिंग में बहुत ट्रेंड्स भी आए थे, काफी गेम्स आके चले गए. हाँ, लूडो किंग था, अमंग अस. आप लोग खेलते हो अमंग अस? इम्पोस्टर को हम लोग ऐसे वन इम्पोस्टर अमंग अस एक टाइम सेट हो गया था, शाम को दोस्त का कॉल आया तो अमंग अस के लिए रहेगा. और लॉकडाउन की काफी बात तक भी ज्यादा तक हम लोग का एग्जाम था तभी. मुझे याद है कि हम लोग पेपर सॉल्व करते थे और उसके बाद ऐसा डिस्कॉर्ड पे भाई चलो आ जाओ अमंग अस कोड ले लो. तीन बजे के या दो बजे खत्म होता था, पांच मिनट पर सब अमंग अस. और उसी बीच में एक कोरोना ठीक आ गया, एक डिसीज, पर और एक डिसीज कह सकते बंद हो गया टिकटॉक. ये मैंने अभी थोड़ा रिमाइंड ध्यान में आया था मेरे कि टिकटॉक. तो बहुत मतलब ठीक है टिकटॉक में मजा उड़ाते हैं टिकटॉक का, पर काफी ऐसे लोग थे जो जिनका क्या बोलते हैं बिजनेस या फिर जिनका आर्ट वो सिर्फ टिकटॉक पे एक्सप्रेस करते थे, क्रिएटर्स भी थे. करेक्ट, उनको बहुत नुकसान हुआ. पर अपने ज़ुकरबर्ग चाचा भी कुछ पीछे नहीं हटे, रील्स निकाले उन लोगों ने, YouTube शॉर्ट्स निकाला. पर मुझे एक बात अभी तक नहीं समझी कि ज़ुकरबर्ग इतना मेहनत डालता है रील्स बनाने में, फिर भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम क्यों बंद होता है बीच में. हाँ ना, और मतलब हमें ऐसा लगता है कि अरे यार बंद हो गया, हम लोग को सोचते कि हमारे घर से नेट गया. फिर मुझे चला नहीं ज़ुकरबर्ग चाचा ने कुछ किया है. तो यार जोक्स असाइड कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे कि हमने एक स्टार्टअप जो स्टार्ट किया था वो भी मस्त चल रहा है, कोड टीम. वैसे ही बहुत जने स्टार्टअप किए, अपने ऑनलाइन डिलीवरीज का स्टार्टअप चालू किया है बहुत. मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि बिजनेस में पिवेट करना होता है कि अगर कुछ चीज़ नहीं चल रही है तो तुम लोग वही कैपिटल या वही फंड्स को लेकर पिवेट करते हो, तो वो चीज़ बहुत हुआ. मतलब जिनका अभी समझो जिनका ट्रैवलिंग का बिजनेस था वो तो या टूरिज्म का वो पूरा बंद हो गया था, तो वो लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से पिवेट किया और अच्छे अच्छे तरीके ढूंढे सर्वाइवल के. और मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं ना अभी स्टार्टअप्स का, तो लोगों ने ना मतलब देखो नॉर्मल भी जब स्टार्टअप होता है तो क्या होता है, मीटिंग्स होते हैं, आप अपने रिसोर्सेज देखने जाते हो कहीं पे, आप लोगों से मिलते हो, तो ये एक अलग फेस है सब लोग के लिए कि ये सब तुम्हें घर पे बैठे करना है. तो मतलब मुझे वही याद है कि अभी देखो अभी अगर नॉर्मल डेली लाइफ हम लोग इमेजिन करते कोरोना के पहले, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो बाहर जाके होते थे या फिर जो इंडस्ट्रियल लेवल के जो मैन्युफैक्चरिंग हो पूरा बंद हो गया था, और वो उन्होंने ऐसा कुछ ढूंढा कि वो जो भी घर का काम है उस पे सर्वाइव कर सकते. मेरे से बहुत से दोस्त या उनके पहचान वाले जिन्होंने मतलब जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस था, पर वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए उन्होंने लॉकडाउन में सब्जियां बेची या फिर ऐसे अलग अलग चीजें की. तो मतलब अगर आपके पास ये एक लाइफ लेसन है कि कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट मत रहो, डिस्ट्रीब्यूट योर सोर्सेस ऑफ इनकम. तो ये तो पार्ट हो गया कि लॉकडाउन का, तो हम लोगों ने उसको टैकल भी किया और बहुत कुछ सीखे इससे. तो हम लोग का भी यही सजेशन होगा आपको कि जब भी आप कोई भी ऐसे सिनेरियो में फंस जाओ तो तरीके ढूंढो. आप इंडियंस हो गाइस, जो भी मतलब ये पॉडकास्ट देख रहे हो इंडियंस हो, जुगाड़ लगाओ और देखो कि उससे कैसे बाहर आ सकते हो, कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो उसको. ओके, सो बहुत मज़ा आया आज, मिलेंगे फिर ऐसे किसी पॉडकास्ट में. तो और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग हर वीडियो के एंड में बोलते हैं, ये हमारा पर्सपेक्टिव था. जरूरी नहीं कि आपका पर्सपेक्टिव भी ऐसा ही हो, जो भी आपका पर्सपेक्टिव हो लॉकडाउन पे या फिर जो भी आपके किस्से हो सीनेरियोज हो वो जरूर हम लोग को बता देना कमेंट सेक्शन में. अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करो कमेंट सेक्शन में, और शेयर करो वीडियोस ताकि लोगों को भी पता चले कि हम लोग भी उनके जैसे ही, हम लोग ने भी उनके जैसे ही लॉकडाउन गुजारा है और वो लोग कैसे टैकल कर सकते हैं उसको. ओके, और अगर आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ तो यस ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है. और एक बात, अभी तक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है तो मास्क पहनना मत भूलो. अरे हाँ भाई, नहीं तो पता चला 2022 में भी यही वीडियो बना रहे कि हाउ पॉडकास्ट स्टार्टेड इन 2021. तो ठीक है, मास्क जरूर पहनो ना सीरियस नोट, और सैनिटाइज वगैरह करो हाथ, अपना ध्यान रखो, ठीक है.
मिलते हैं ऐसी किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। तूफान है जो आखड़ा, तू चल जा उसके साथ में। भगवान ने तुझको दी हुई है रहमत तेरे हाथ में, जगा तू अपनी शक्तियों को दूर कर दे फासले। खड़े है तेरे आड़े आके बीच से उनको फाड़ दे, जरफिरों पे ध्यान दे, न हार का तू नाम ले, न फालतू का ज्ञान लेना।